I'm Shikha Divedi, and how are you? I hope you're doing very good, and I'm also very good as usually. And trust me, today I have come up with very, very important phrases for you. आज मेरे पास आपके लिए हैं some very important phrases. ये phrases हम सब use करते हैं, ठीक है? But how to use in English? English में कैसे use करते हैं? That's what I'm going to tell you today. Okay? So let's get started. So number one is for what? Number one is for what? For what means किस लिए? किस लिए? Right? अगर आप अभी मुझसे बोलो, ma'am, please give me your marker. Okay, imagine, suppose you're asking me, you're just saying, ma'am, please give me your marker. So immediately I will ask you, for what? For what? Because you have pen and paper, right? If you have to write something, so you will write on your paper. Paper pe likhne ke liye pen is enough na. And you are asking for my marker, to main to turant puchungi, for what? So for what means, kis liye, theek hai? Achha, agar aap abhi apne papa se bolo, papa, please give me 5,000 rupees. तो पापा का क्या रिएक्शन होगा? इमीडिएटली योर पापा विल आस्क यू, योर फादर विल आस्क यू, फॉर व्हाट? सो फॉर व्हाट मींस किस लिए? ओके, नंबर टू. नंबर टू इज फॉर हूम. फॉर हूम मींस किसके लिए. अगर आप अपने फ्रेंड को, सपोज आपको आपका फ्रेंड मिलता है, ही इज इन अ शॉप, ठीक है, एंड ही इज बाइंग अ गिफ्ट फॉर समवन. वो बता रहा है आपको कि यस आई एम बाइंग दिस गिफ्ट, तो आप इमीडिएटली उससे पूछोगे फॉर हूम. फॉर हूम मींस किसके लिए. ओके, दैट्स ओके दैट यू आर बाइंग अ गिफ्ट, बट फॉर हूम, किसके लिए तुम गिफ्ट खरीद रहे हो? ओके, फॉर हूम आर यू बाइंग द गिफ्ट? फॉर हूम आर यू बाइंग द गिफ्ट? ठीक है, कोई बड़ा सज सवर रहा है, राइट? तो हम बोलते किसके लिए भैया इतना सज सवर रहे हो, किसके लिए इतना सज सवर रहे हो? सो फॉर हूम, किसके लिए? फॉर हूम. अगर आपको कंप्लीट सेंटेंस यूज करना है किसके लिए इतना सज सवर रहे हो, सो फॉर हूम आर यू, और सजना सवरना क्या होता है? I've already given you word, this is preen, है ना? P-R-E-E-N, preen. So for whom are you preening yourself? For whom are you preening yourself? किसके लिए सज सवर रहे हो? For whom are you preening yourself? ठीक है, या नंबर थ्री. नंबर थ्री इज हाउ कम. हाउ कम, आई लाइक दिस फ्रेज वेरी मच, है ना? हाउ कम. अब हाउ कम मीन्स होता है कैसे. अब आप सोचो कि मैम हाउ मीन्स भी तो कैसे होता है, तो कम क्यों लगा रहे? सी, जब कैसे को आपको सरप्राइज के साथ एक्सप्रेस करना है, कैसे में अगर आप अपना सरप्राइज मिक्स कर देते हो, तो आपको यूज करना रहेगा हाउ कम. अच्छा, आप एक फ्रेंड है, सपोज वन ऑफ योर फ्रेंड ही इज वेरी वेरी टॉकेटिव, ही इज अ चैटर बॉक्स, एंड बहुत देर से, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैज बीन टॉकिंग साइलेंट. तो आप उससे पूछोगे ना, यू आर सिटिंग क्वाइट, कैसे? तो ये कैसे में हाउ नहीं, क्योंकि आप सरप्राइज हैं कि वो इतनी देर से देर तक शांत नहीं बैठ सकता. तो ये आप उसे पूछोगे कैसे भाई, तो आप उसे पूछोगे हाउ कम. यू हैव बीन सिटिंग क्वाइट फॉर सो लॉन्ग, कैसे? हाउ कम. तो हाउ कम मीन्स होता है कैसे. ठीक है, आपका कोई फ्रेंड, अगर अभी तक आपको पता था कि लाइक ही वॉज नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, ही इज वेरी पुअर इन इंग्लिश, और आपके पास अचानक से वो आया एंड ही इज टॉकिंग फ्लुएंटली इन इंग्लिश, आप उससे पूछोगे कैसे, कैसे किया तुमने, कैसे? हाउ कम, हाउ कम. तो इस कैसे में सरप्राइज्ड मिक्स है, सो दैट्स व्हाई यू विल से हाउ कम. ओके, या नेक्स्ट नंबर फोर, जस्ट. जे यू एस टी, जस्ट. अगर मुझे किसी से पूछना है यहां क्यों खड़े हो, मैं अपने उससे पूछे यहां क्यों खड़े हो, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, व्हाई आर यू स्टैंडिंग हियर, ऐसे ही. तो ये ऐसे ही को क्या बोलते हैं? जस्ट. ही विल रिप्लाई मी जस्ट. ठीक है, तो ऐसे ही, जैसे का मतलब क्या होता है? जस्ट. किसी से पूछना ये क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, ऐसे ही कर रहे हैं यार, तो बोलेगा आई एम जस्ट डूइंग, जस्ट ऐसे ही कर रहे हैं, है ना? तो इस ऐसे ही के लिए वी यूज जस्ट. नेक्स्ट नंबर फाइव. नंबर फाइव इज व्हाट्स रॉन्ग विद यू. व्हाट्स रॉन्ग विद यू. अगर कोई अपना यू नो लाइक कोई परेशान दिखता है आपको, ठीक है, कोई परेशान दिख रहा है, तो आप उसे पूछो What's wrong with you? You're looking disturbed. You're looking upset. क्या हुआ? मतलब जब कोई किसी के साथ आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है और आप पूछने जाए तो क्या हुआ, तो what's wrong with you? कैसे पूछते हो आपको, आप उसे कैसे पूछोगे? What's wrong with you? You're looking upset. ठीक है, और ये what's wrong with you किसी person के, मतलब you के अलावा आप कुछ भी यहाँ पे add कर सकते हो. ठीक है, आपकी like
योर छोटी सिस्टर, योर यंगर सिस्टर, शी एंटर्ड इन द रूम. ठीक है, शी एंटर्ड इन द रूम एंड शी हैज स्टार्टेड थ्रोइंग द थिंग्स हियर एंड देयर. वो कमरे में उसने एंटर किया. नाउ शी हैज स्टार्टेड थ्रोइंग ईच एंड एवरीथिंग इन द रूम. वो रूम में सब कुछ इधर उधर फेंकने लगी. तब क्या बोलोगे, इसको क्या हो गया, इसको क्या हो गया? तब बोलोगे व्हाट्स रॉन्ग विद हर, व्हाट्स रॉन्ग विद हर. ठीक है, तो कोई भी चीज जो गड़बड़ बिहेवियर कर रही है आपको लगता है इसको 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 क्या हो गया, तो हम बोलते हैं व्हाट्स रॉन्ग. ठीक है, इवन फैन के लिए भी बोल सकते हैं. ठीक है, रोज आपका फैन अच्छा खासा चलता है, आज आप चला रहे हो पता नहीं कैसे धीमे धीमे, यू नो फैन इज वर्किंग. तो आप बोलोगे अरे इस फैन को क्या हो गया, इस फैन को क्या हो गया. तो हम इसे कैसे बोलेंगे, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फैन, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस फैन. इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये सारे फ्रेजेस समझ में आए होंगे. प्रैक्टिस करिएगा, कंफ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी. वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करोगे, फ्रेंड के साथ शेयर करोगे और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे. बाय बाय.